हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। अचानक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड 2024 का मैट्रिक इंटर का जारी किया गया। मैट्रिक और इंटर का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, ये संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा। साथ में उन सभी छात्र छात्राओं का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है जिनका जिनका सुधार प्रक्रिया हो चुका है, और जिन जिन छात्र छात्राओं का सुधार डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड था उन सभी का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। तो कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे, कहां से करेंगे, वो सभी आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट तक देखना पड़ेगा और पूरी जानकारी लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों का किनका किनका गलत था और किनका किनका सही था, जरूर कमेंट करेंगे। चलिए उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल डाउनलोड करना है तो गूगल या क्रोम पर आना है और सर्च कर देना है क्या, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, या बोल भी दीजिएगा तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसी पर क्लिक कर देना, बोल दीजिएगा स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे तो आप लोग को तभी आप लोग को ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होगा जब आप लोग इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आएंगे और आप लोग देखेंगे एक न्यू अपडेट का इंटरफेस दिखेगा, न्यू अपडेट इसी में आप लोग को आ जाना है। ऐसे अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ सभी चीज़ दे दिया गया है, लेकिन हम लोग अभी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करेंगे तो यहाँ न्यू अपडेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर में एक बार रिफ्रेश करते हैं, हाँ तो सबसे ऊपर में देखिए ऐसे नौवीं का रजिस्ट्रेशन जो है हो रहा है 2023 से 2025 वाला सेशन, जो 2025 में परीक्षा देंगे क्लास टेंथ वाला स्टूडेंट सब, और यहाँ पर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन आप लोग को यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसी पर हम लोग क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से आप लोग को इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले बिहार बोर्ड पटना द्वारा क्या क्या जारी किया गया है वो सभी पढ़ लेना, ये बिना पढ़े हुए आप लोगों को डाउनलोड नहीं हो पाएगा, ये पूरा एकदम बढ़िया से एकदम पढ़ना है, एकदम बढ़िया से एकदम अच्छा तरीका से। उसके बाद ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड हाउ टू डाउनलोड, कैसे डाउनलोड करना है, ये सभी दिया हुआ है, उसका किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड का फॉर्म कब से अप्लाई होगा वो यहाँ से जानकारी दिया गया है। जैसे ये आगे आप लोग को एक नया इंटरफेस लिंक वन या लिंक टू, अभी सर्वर एरर लिख रहा है, एक सेकेंड, चलिए तो सर्वर एरर लिख रहा है तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रिफ्रेश ले रहा है तो यहीं से आप लोग खुलेगा। लिंक वन लिंक टू दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए आप लोगों को 12th का और 10th का, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, आप लोग यहाँ से आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट आइए, आप लोगों को कहाँ पर आना है, कैसे आना है, एक बार और मैं पुनः बता देता हूँ आप लोगों को, और ये यहाँ से आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी, साथ में आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है ये यहाँ पर लिंक दे दिया गया है, तो आप लोगों को मैं बता ही दिया हूँ कैसे कैसे आना है, कैसे कैसे डाउनलोड करना है। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ आप लोगों को, गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है, नीचे की ओर आना है, न्यू अपडेट का एक सेक्शन आएगा इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर में दिया गया है, सबसे ऊपर में आप लोग क्लिक कर लेंगे, ऊपर में क्लिक करने के बाद आप लोग ऊपर की स्क्रॉल करेंगे, सभी जानकारी पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप लोग तभी डाउनलोड कर पाएंगे क्योंकि नियम के अनुसार ही डाउनलोड होता है। और नीचे एडमिट कार्ड कब आए, कब से अप्लाई शुरू होगा वो जानकारी दिया गया है। तो चलिए इतना पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना पर जय हिंद जय भारत। फटाफट आप लोग आइए और अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक आउट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।